सो गाइस वेलकम टू पार्ट टू। इस वीडियो में आप देखोगे पूरे पटना शहर के आसपास के गुरुद्वारे। आज आप पहले हमारे रिजॉर्ट का व्यू देखेंगे। ये है गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहब का लंगर हॉल। ये है गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहब, जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी बाल लीला रचाने आते थे। बाल लीला साहिब गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी के गुलेले और पादुकाएं स्थित हैं। तो गाइस अभी हम आए थे गुरुद्वारा श्री कंगन घाट, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कंगन फेंका था, और इस गुरुद्वारे के पीछे का बहुत ही बड़ा इतिहास है। सावन या भागो के महीने में जिस पुल पे हम चल रहे हैं, पूरा पुल बह जाता है और कंगन घाट गुरुद्वारे तक के पैर छूने आता है। जो आगे गंगा जी हम आपको दिखाएंगे, वो गंगा जी कंगन घाट गुरुद्वारा जो कि पीछे हमारे वहां तक आ जाता है। गंगा जी का पानी गुरुद्वारे के पैर छूने आता है। तो गाइस ये है गंगा, जिसका पानी गुरुद्वारा कंगन घाट तक आ जाता है, देख सकते हैं आप। उधर एशिया का सबसे लंबा पुल जो है वो है इंदिरा गांधी पुल। एशिया का सबसे बड़ा पुल है, एशिया का यही है वो। ये जो ये आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये 2017 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा बनाया जा रहा है, और अभी इसका काम थोड़ा बहुत रह गया है। ये 2017 से ही बनाना शुरू किया, और अब इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। ये गुरुद्वारा कंगन घाट के ही पास है। सरबंस तानिया वे देना कौन देगा तेरा, सरबंस तानिया वे देना कौन देगा तेरा, सरबंस तानिया वे देना कौन देगा, कौन देगा तेरा। गाइस अभी हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, और ये डोंगा देखा, सीधा साइज गाइस, सीधा साइज।